हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज हम क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर फर्स्ट के दो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे, एग्जांपल नंबर 15 एंड एग्जांपल नंबर 16। सो लुक एट द ब्लैक बोर्ड। एग्जांपल नंबर 15 इज डिवाइड 8√15 बाय 2√3। तो इस 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से। जो ये बाय लिखा हुआ है, इस बाय का मतलब ये डिनोमिनेटर होगा हमारा 2√3। डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड का ये सिंबल होगा, ठीक है। दिस इज अ सिंबल ऑफ डिवीजन। सो 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3, सॉरी, जिसे डिवाइड करना है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 15 के जब प्राइम फैक्टर्स करते थे हम, तो इस तरीके से बनते थे। 3 से डिवाइड किया 15 को, 3 5 15, 5 से डिवाइड किया 5 को, 1 आ गया। तो 15 के दो ही फैक्टर्स बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स 3 एंड 5। तो आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर इस 15 के ऊपर रूट लगा हुआ है तो वो दोनों फैक्टर्स जो हमने बनाए हैं 3 और 5, उन पर भी क्या लगेगा, रूट लगेगा, क्योंकि इस 15 के ऊपर क्या है, रूट लगा हुआ है। तो 8 मल्टीप्लाई रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3। तो ये रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3 किसके बराबर है, रूट 15 के बराबर है। अपोन में 2 मल्टीप्लाई रूट 3, 2√3 को अगर आप 2 मल्टीप्लाई रूट 3 लिखेंगे तो वो भी 2√3 के ही बराबर होगा। अब देखिए, 2 की टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 2 4 8। इसको हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो कैसे हुआ डिवाइड, 2 4 8। उसके बाद रूट 3 से रूट 3 को डिवाइड किया, रूट 3 वन जा रूट 3, तो ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, रूट 5 बचा, और उसके साथ क्या बचा, 4 बचा। तो 4 की मल्टीप्लाई जब रूट 5 से करेंगे क्या आ जाएगी, 4√5। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 15। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 में सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो सिंप्लीफाई देखिए, इसमें हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको दो ही पार्ट सोल्व करके दिखाए हैं एग्जांपल नंबर 16 का। फर्स्ट पार्ट देखिए, सबसे पहले आप सिंप्लीफाई 5 + √7, नेक्स्ट ब्रैकेट, इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरी ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं इस नेक्स्ट ब्रैकेट वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। 2 + √5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 + √7 से। तो सबसे पहले 5 से हम पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 + √5, फिर प्लस, क्योंकि प्लस है, + √7 लिख लिया हमने। इस रूट 7 की भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 2 + √5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 5 ब्रैकेट के अंदर जाएगा। सबसे पहले 2 दिख रहा है आपको और इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई है। तो 5 2 की मल्टीप्लाई 10 हो जाएगी, फिर प्लस का सिंबल है और बाहर भी प्लस का 5 है, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस होती है। तो 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 से जो हम करेंगे तो वो 5√5 के बराबर होगी। जैसे अभी पीछे किया था हमने, 4 की मल्टीप्लाई रूट 5 से करी थी, वो 4√5 के बराबर आई थी। तो इसी तरीके से 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 से हम करेंगे तो 5√5 हो जाएगी। फिर + √7, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है तो 2 की मल्टीप्लाई रूट 7 से करने पर आ जाएगी 2√7। फिर प्लस का रूट 7, इसकी मल्टीप्लाई होगी प्लस के रूट 5 से। जैसे 7 की मल्टीप्लाई 5 से करने पर 35 आता है, यहां पर भी 35 आएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ होगा, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो आपको रूट लगाना नहीं भूलना। तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 16 फर्स्ट पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैंने एक आइडेंटिटी ऊपर लिखी है, ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पार्ट में इस आइडेंटिटी का यूज होगा। a² - b² = a - b * a + b। देखिए, अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है। √11 - √7 ब्रैकेट में बंद कर दिया, इनटू, इसका मतलब ये भी मल्टीप्लाई होगा, √11 + √7। ध्यान से देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है, a - b * a + b। अभी मैंने बताया आपको ये किसके बराबर होता है, a² - b² के। तो अब यहाँ पर ए क्या है स्टूडेंट्स, ए यहाँ पर √11 है और बी यहाँ पर √7 है। तो ए का स्क्वेयर करेंगे हम, ए का स्क्वेयर मीन्स √11 का स्क्वेयर माइनस
बी का स्क्वेयर मीन्स रूट 7 का स्क्वेयर, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से स्क्वेयर से ये स्क्वेयर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 11 और यहाँ क्या बच जाएगा 7, और अल्टीमेटली 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4. दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 16. आई होप यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू.